व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलेग्रो? सो बेसिकली एलेग्रो का मीनिंग क्या है, एल पेंसेरोसो का मीनिंग क्या है, कौन से लैंग्वेज की टर्म्स है ये? हेलो स्टूडेंट्स, सो आज का हमारा टॉपिक मिल्टन। हम लोग पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। मैंने मिल्टन की राइटिंग्स को आप लोगों के साथ थ्री फेजेस में डिवाइड किया था, राइट? सो इसका फर्स्ट फेज हम लोगों ने लिया था, द बिगिनिंग वन, फर्स्ट फेज, जिसको कि हमने नाम दिया था जनरल राइटिंग्स, राइट? जनरल राइटिंग्स। इस जनरल राइटिंग के फेज में व्हाट वी हैव डन, व्हाट वी हैव स्टडीड, बेसिकली हम लोगों ने इनका लिसिडस को बहुत अच्छे से उस दिन पढ़ा था। देन इसके बाद आज मुझे जो आपको कराना है वो इसका कराना है एलेग्रो एंड एल पेंसेरोसो। ये दो वर्क मुझे आज आपको इनके कराने हैं, विच इज कॉल्ड एज बेसिकली द ट्विन पोएम्स बाय हिम। ये ट्विन पोएम्स कहलाती है। ट्विन पोएम क्यों? क्योंकि इन दोनों ही पोएम को एक साथ पढ़ा जाता है। दिस वर्क वॉज पब्लिश्ड इन 1638 एंड दिस वॉज पब्लिश्ड इन 1639। ये एक साल के गैप में पढ़ी जाती है। इसको हम लोग ट्विन पोयम बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलेग्रो? सो बेसिकली एलेग्रो का मीनिंग क्या है, एल पेंसेरोसो का मीनिंग क्या है, कौन से लैंग्वेज की टर्म्स है ये? लेट्स स्टार्ट विद दिस। बेसिकली ये दोनों ही टर्म्स है लेटिन लैंग्वेज की। ओके, एलेग्रो मीन्स हैप्पी मैन एंड एल पेंसेरोसो मीन्स सैड मैन। ये दोनों यहां पे एक मैन की, एक ह्यूमन, मैन मींस ह्यूमन, एक ह्यूमन बीइंग की स्टेज दिखाते। बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट मैन ओनली, द मेल्स वन, बिकॉज फीमेल्स वर नॉट अलाउड टू डू एनी जॉब और टू बी इन एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन। सो अगर हम यहाँ पे इस एज की बात करते हैं तो इस एज में द मैन, मेल्स आर ओनली प्रोफेशनल्स। यहाँ पे उसने उसी की बात करी है, उसी चीज को दिखाते हुए हम लोग इसको समझेंगे। बिकॉज एलेग्रो के अंदर जिसमें इसने हैप्पी मैन की बात करी है, वहां पे किस तरीके के हैप्पी मैन है, हैप्पी मैन बिकॉज यहाँ पे द पर्सन इज बेसिकली शोइंग, मिल्टन इज बेसिकली शोइंग द टाइम ऑफ सनराइज टू सनसेट एंड ही इज शोइंग अ मैन इज हैप्पी एंथुसियास्टिक, वेरी पैशनेट अबाउट हिज वर्क, वेरी पैशनेट अबाउट हिज डे रूटीन, हिज थिंग्स दैट व्हाट ही इज बेसिकली प्लानिंग फॉर द डे, व्हाट बेसिकली ही इज सेटिंग द एम्स फॉर द होल डे, व्हाट इज हिज पर्पस फॉर द डे, क्या उसने पूरे दिन के लिए सोचा है, क्या उसने पूरे दिन के लिए करना है, क्या एम्स, जो गोल्स जो वो सेट करता है उसको लेके बहुत एक्साइटेड है, बहुत एंथुसियास्टिक है। ही इज वेरी हैप्पी बिकॉज ही इज in another day, it's like he is waked up today, he is full of energy, he is making his breakfast, planning his day and is enthusiastic and energetic to complete the goals for today. So wo puri planning karte hue isme happy man ki journey dikha raha hai ki he is very enthusiastically going to his work, is working with a complete zeal and passion for the whole day. That is allegro. Allegro ke andar wo ek happy man, ek enthusiastic man ko dikha raha hai. So this happy man is basically enthusiastic, passionate, because he is going to meet his lover also in the daytime. अपने लवर से मिलना है, अपने बिलवत से मिलना है, उसको देखना है, अपने बाकी की चीजों को प्लान आउट करना है, अचीव करना है। तो he is enthusiastic, passionate, he is an achiever, he is a goal setter, he is energetic. Also another thing is energetic. These are the qualities being shown of this man in Allegro. But opposite to that, in El Pensaroso, यहाँ पे जो ये sad man है, why he is sad? He is coming back tired, coming back home. Goals are not completely accomplished or achieved. Not completely satisfied, we can say. Not completely satisfied. He is like worried about today. He is having a plans or is sad about the behavior of many people he must have met. And what this time is basically
telling for, but this time stands for. So sad man ka ye jo day hai, that the complete day is about sunset, because he is coming back to the home to sunrise. So he is already tired, he has to make the dinner, he has to plan for it, he is not enthusiastic about the things, he is just drinking and is thinking about the future, future plannings are there, the gloominess, the dullness, the unsuccessful life is being shown, and he is a worried man, he is a sad man, he is a futuristic one who is now tired. So, यहाँ पे उन चीजों को दिखाया गया है एंड द कंप्लीट फेज ऑफ डे सनराइज टू अगेन सनराइज इट इज अकम्प्लिश्ड इन द बोथ ऑफ द पोयम दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्विन पोयम और यहाँ पे इन दोनों के इन फेजेस को बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने दिखाया है इस पूरी पोएट्री के अंदर और इन्होंने ये दिखाया है हाउ अ मैन यूज्ड टू प्लान हिज होल डे एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस एट द टाइम तो एक टाइम पे क्या चीजें होती हैं किस तरीके से होती हैं क्या वहां पे होना चाहिए बट क्या हो रहा है सारी ही चीजों को यहाँ पे इन्होंने दिखाया है ओके सो बेसिकली इस फेज के अंदर की ये तीन आपकी मेन इंपॉर्टेंट पोइट्रीज है जो कि इन्होंने यहाँ पे लिखी गई है देन इसके बाद जो इनके सोनेट्स आते हैं आई विल डिस्कस दैट ऑल्सो लेट मी रब इट फर्स्ट सो आफ्टर एलेग्रो एंड एल पेंसिलोसो नाउ आवर नेक्स्ट इज Christ Nativity, the morning of Christ Nativity. And another work is Sonnet. Sonnets mein jo inka main sonnet aayega, that is on my 23rd birthday. ये इनके दो इम्पॉर्टेंट वर्क है जो कि इस फर्स्ट फेज ऑफ राइटिंग के अंदर आते हैं इस फेज के अंदर जो मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी है दैट इज अ क्रिश्चियन पोयम इन विच ही हैज सेलिब्रेटेड व्हेन क्राइस्ट वाज बोर्न व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड टू द वर्ल्ड सो ही हैज एक्चुअली यू नो ग्लोरिफाइड द बर्थ ऑफ क्राइस्ट ऑन द अर्थ कि जब उनका बर्थ हुआ तो यहाँ पे चारों तरफ रोशनी थी इट बिकम वेरी सूद इट बिकम वेरी काम इट बिकम वेरी लाइट्स वेरियस लाइट्स आर देयर द अनदर काइंड ऑफ एनवायरमेंट इट बिकम्स चारों तरफ हैप्पीनेस था सो दैट इज ऑन द क्राइस्ट नेटिविटी कि जब क्राइस्ट की यहाँ पे बर्थ हुआ क्राइस्ट का जब बैप्टिज्म हुआ तब यहाँ पे क्या क्या चीजें हुई थी क्या क्या चीजें उन्होंने इस तरीके से कहा था बेसिकली बैप्टिज्म एंड ऑल इज बी प्रोसेस हैज स्टार्टेड लेटर ऑन वो पहले ऑब्वियसली क्राइस्ट के पहले वो प्रोसेस नहीं था लेकिन उसके बाद जब ये चीजें आई तब वहां पे उन्होंने इन चीजों को बताया कि उन्होंने यहाँ पे लेकिन बैप्टिज्म का उन्होंने यहाँ पे उनके नेमिंग का नाम लिया है कि व्हेन ही वाज देयर व्हेन ही वाज गिवन टू द हैंड्स ऑफ द शेपर्ड्स जब वो वहां पे लोगों के हाथ में आए तो हाउ दे वर फीलिंग इट वाज लाइक कि ऑल देयर पेन्स वर गोइंग द वर्ल्ड वाज ऑलरेडी इन द अल्टीमेट हैप्पीनेस क्या वहां पे ऑटोमेटिकली लोगों के फेस पे स्माइल थी जब वो पैदा हुए एक अलग टाइप की सनलाइट थी विच वॉज वेरी सूदिंग टू ईच एंड एवरी वन दिस इज बींग हैज सेड इन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी अनदर थिंग ऑन द सोनेट on her 23rd birthday, he has celebrated it as a achievement that on my 23rd birthday, I want to celebrate as I completed my 23rd years of life and along with that, I am here to declare that I am a postgraduate now. He has completed his education and now he wanted to establish himself as a writer. So, यहाँ पे ये अपने छोटे-छोटे dreams के बारे में बात कर रहे हैं and अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए ही सेइंग दैट आई हैव कंप्लीटेड अ माइलस्टोन ऑफ माय लाइफ और स्टेज ऑफ माय लाइफ एंड नाउ आई एम एंटरिंग इनटू अ मैच्योर स्टेज ठीक है ये यहाँ पे इन्होंने इसको सेलिब्रेट करा है तो दिस इज द बेसिकली जनरल फेज ऑफ हिज राइटिंग नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड फेज ऑफ हिज राइटिंग Today I am going to start the second phase of his writing, that is political. So, in political writing, he has written many writings which has annoyed people, which has benefited them. हम यहाँ पे उन सारी political writings की बात करेंगे जितनी भी इन्होंने की है. Let's start with that.
So, in the first one, he has written this in the political writing. The first work which he has written is on Reformation. 1641. It was a time of political distress, civil war. 30-year civil war was going on at this time. We know that since 1619 to 1649, the civil war was there, and it began during the time of King James I of Scotland. So this 1641 is the peak of Puritan revolt. It was the peak of Puritan revolt, and we know in 1642 the closing of theaters, the burning of Globe Theater was there. I have given you all the major events of Puritan age. So in 1641 he has written on Reformation. That is basically on Reformation is basically a religious pamphlet. It's a pamphlet. It's a religious pamphlet in which he has given his ideas that the liberty to accept any religion, does the liberty to follow your religion, to accept your section of or to choose your section of Christianity should be there. किसी को किसी भी तरीके की बाउंडेशन नहीं होने चाहिए. ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो वहां पे अपनी कोई भी ब्रांच चूज कर सकता है और उसको फॉलो कर सकता है. बट द काइंड ऑफ एनवायरमेंट वॉज देयर लाइक दीज किंग्स वर बेसिकली सपोर्टिंग द विग्स एंड टोरीज पार्टी. दे वर सपोर्टिंग द कैथोलिक्स वन एंड वर अगेंस्ट द प्यूरिटन्स एंड प्रोटेस्टेंट्स. द ल्यूथेरियंस दे यूज टू कॉल देम इन अ वेरी फेमस वे. दे वर कॉल्ड एज ल्यूथेरियंस. सो इन सबको जो क्रिटिसाइज किया जाता था उसके लिए इसने यहाँ पे ऑन रिफॉर्मेशन लिखा. अलॉन्ग विद दैट ही हैज गिवन सम आइडियाज इन द लिसिडस एज वेल. लिसिडस में भी उसने चर्च करप्शन के बारे में बात की है कि चाहे वो कैथोलिक हो या प्रोटेस्टेंट, लेकिन जो प्रीस्ट है दे आर करप्ट. दे आर मोर इन टू द प्रैक्टिस ऑफ अटेंडिंग द किंग्स पार्टीज, किंग्स फीस्ट, डिनर्स and their councils, their parliaments, apart from doing their duties, that is to funeral, baptism or something, but they are into the business of making money. तो वो यहाँ पे जो पैसा बनाने के लिए corrupt हो रखे थे, वो लोग अपना काम जैसे baptism हो गया या किसी का funeral हो गया, किसी की death के ऊपर जो prayer पढ़ी जाती है, वो सारे जो उनके काम होते थे वो नहीं कर रहे थे. इन सब चीजों के लिए उसने ऑलरेडी लिसिडस के अंदर उनको क्रिटिसाइज करा है, और वही चीज यहाँ पे ऑन रिफॉर्मेशन के अंदर उसने लिखी है कि किस तरीके से उन चीजों को सुधारा जाना चाहिए था. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑन एजुकेशन. ऑन एजुकेशन के अंदर उसने फीमेल एजुकेशन की बात करी है. दैट इज ऑल्सो इन 1642. इसमें इसने फीमेल एजुकेशन की बात करी है, और उसने यहाँ पे कहा है कि फीमेल एजुकेशन को कंपलसरी एजुकेशन कर देना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द फीमेल ऑफ अ कंट्री शुड बी एजुकेटेड. बिकॉज अगर एक फीमेल एजुकेट नहीं होगी तो पूरा परिवार एजुकेट नहीं हो सकता. शी वोंट बी अ हेल्पफुल पर्सन टू फॉर द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन. वो बच्चों को अच्छे मैनर्स, कर्टिसी, एजुकेशन कराने में हेल्प नहीं कर सकती. सो द एजुकेशन ऑफ अ फीमेल, द बेसिक एजुकेशन ऑफ अ फीमेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू हिम. एंड ही सपोर्टेड दैट. ही रोट द पैम्फलेट ऑन इट एंड ही सेड दैट एजुकेशन इज अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ सोसाइटी. एजुकेशन बहुत जरूरी है, लोगों को नॉलेज होनी बहुत जरूरी है. एंड इफ समथिंग हैज हैपेंड एंड अ फीमेल रिमेन्ड अलोन, अकेली रह जाती है, तो उसके लिए एजुकेशन की वैल्यू और भी बढ़ जाती है. एक फैमिली के अंदर फैमिली की प्रॉपर ग्रोथ और बच्चों की प्रॉपर एजुकेशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि फीमेल की एजुकेशन हो. इतने लिबरल माइंड से इसने यहाँ पे ये पैम्फलेट लिखा था. एंड बेसिकली क्या था कि एलिजाबेथ ने, क्वीन एलिजाबेथ वन ने फीमेल को एजुकेशन राइट्स तो दिए थे, लेकिन उनको एक फाउंडेशन भी लगाई थी कि दे आर नॉट अलाउड टू विड्रॉ एनी डिग्री. तो यहाँ पे इसने इस डिग्रीज की कोई बात नहीं करी है कि उनको डिग्री दी जाए या ना दी जाए, उन्हें प्रोफेशन में आने दिया जाए या ना आने दिया जाए. जबकि अगर हम मिल्टन की हिस्ट्री देखते हैं तो ही इज कॉल्ड एज अ मिसोजिनिस्ट. इनकी शादी 41 में हुई थी एंड दैट गर्ल वॉज मोर देन हाफ ऑफ हिज एज. तो वो लड़की भी शादी के एक साल के अंदर अंदर इनको छोड़ के चली गई थी अपने घर. और रीजन क्या दिया था कि ही इज नॉट कंपैटिबल, ही इज वेरी डोमिनेटिंग, ही फाइट्स द गर्ल,
ही डू द डोमेस्टिक वायलेंस, और वो इनसे डर के भाग गई थी क्योंकि ये खुद एक हार्डकोर प्यूरिटन है और खुद भी ब्लैकआउट के अंदर नो एंटरटेनमेंट के अंदर बिलीव करते हैं, एंड वो द गर्ल वाज ऑफ जस्ट 19 इयर्स ओल्ड. तो शी हैड डिफरेंट ड्रीम, शी हैड डिफरेंट आइडियोलॉजी शी वांटेड टू एंजॉय. और ये यहाँ पे 37-38 की एज में थे, विच वॉज अ बिगर वन, लाइक 1608 से 42 इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक ही वॉज 34 years old. So after it was approximately half of her age, half of his age. तो वो यहाँ पे उनसे डरती थी and वो उसको dominate भी बहुत ज्यादा करते थे, तो वो घर छोड़ के चली गई थी ultimately. And तब भी इन्होंने ये pamphlet, हालांकि उससे पहले का लिखा हुआ है, जिसमें इन्होंने education की बात करी, जिसमें इन्होंने एक proper knowledge giving की बात करी है girls के लिए, ठीक है. तो हालांकि इनको मिसोजिनिस्ट कहा, इनको ये कहा कि ही डोंट बिहेव प्रॉपरली विद द गर्ल्स, प्रॉपरली विद द फीमेल्स, एंड बट इन्होंने यहाँ पे फीमेल एजुकेशन की बात की है, सोसाइटी में प्रॉपर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स की बात की है. नाउ हिज थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इन पॉलिटिकल राइटिंग, दैट इज ऑन डाइवोर्स, वो भी सेम एज में ही लिखा गया है, बिकॉज जब इनकी वाइफ चली गई थी तब इन्होंने ये पैम्फलेट लिखा था, दैट इज ऑन डाइवोर्स. ऑन डाइवोर्स के अंदर ही हैज रिक्वेस्टेड टू द मिनिस्टर्स एंड द प्रीस्ट, द चर्चेस, दैट दे शुड नॉट गिव द राइट टू टेक डिवोर्स टू द फीमेल्स. अगर फीमेल्स को ये राइट हुए कि वो डिवोर्स ले पाए, अगर फीमेल्स को ये राइट दे दिए गए कि वो डिवोर्स फाइल कर सके, तो बहुत सारे घरों के अंदर ये चीजें आ जाएंगी, बिकॉज फीमेल्स आर इमोशनली वीकर एंड इट इज वेरी इजियर फॉर एनी वन टू मैनिपुलेट देम. तो कोई भी जिनको अपनी दुश्मनी निकालनी होगी, या अगर लड़की के पेरेंट्स या उसकी फैमिली मेंबर्स या उसके कोई और रिलेटिव्स अगर लड़के को पसंद नहीं करते, तो दे कैन मैनिपुलेट हर इमोशनली, एंड ही अकॉर्डिंग टू हिम फीमेल इज अ वीकर जेंडर, इट इज वेरी इजियर टू मैनिपुलेट हर. तो उसे मैनिपुलेट करना ईजी है, उसका माइंड चेंज करना ईजी है, और इसीलिए उससे डिवोर्स के लिए अप्लाई जल्दी करवाया जा सकता है विदाउट हर विश. इसलिए उन्होंने कहा कि डिवोर्स का डिसीजन कभी भी फीमेल के अकॉर्डिंग ना ले, क्योंकि फीमेल यूज टू बी बायस्ड ऑन दैट, वो टेम्परेरी गुस्से को परमानेंट बना के और अपना डिसीजन ले लेती हैं. बट ये डिसीजन अगर कोई मेल लेता है तो दैट शुड बी कंसिडरेबल, उसे कंसिडर करा जाए, लेकिन एक फीमेल के डिसीजन को कंसिडर नहीं किया जाए. ये इन्होंने यहाँ पे कहा था ऑन डिवोर्स के अंदर. Now, another pamphlet which he has written in this period is on religion. इसमें भी he has basically advocated for the liberty of religion, and he requested all the priests to be justified with their works. He, जो भी आप अपने काम कर रहे हो उसको justification से करो, उसको प्रॉपर तरीके से करो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपना काम करते जा रहे हो और आपके आपके काम से लोग सेटिस्फाई नहीं है, दे वोंट फॉलो यू, दे वोंट गिव यू द डेजिग्नेशन ऑफ सेंट. तो वन शुड बी वेरी प्रॉपर एंड जस्टिफाइड प्रीस्ट. तो रिलीजन का फेम या रिलीजन को तभी स्टैब्लिश करा पाओगे, मोरालिटी को तभी स्टैब्लिश करा पाओगे, जब एक प्रीस्ट को प्रॉपरली जस्टिफाइड तरीके से अपना काम करना आता होगा. ओके, नाउ another very very important work of political, that is Areopagitica. Next is Areopagitica. Areopagitica is a work which is basically about the freedom of printing press. It is about freedom of speech and printing press. This work is about freedom of speech and freedom of printing press. It's like he has appealed to the magistrate, the councils, the ministers, that a printing press of works, the writers should have the freedom to speech and to express. Yahan pe aayega freedom of speech and expression. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो भी राइटर चाहे उसको फ्रीडम होनी चाहिए अपने वर्क को बताने के लिए, अपने वर्क को एक्सप्रेस करने के लिए. यहाँ पे किसी भी तरीके के कोई बाउंडेशन नहीं होने चाहिए. प्रिंटिंग प्रेस के लाइसेंसिंग के ऊपर ये बात की थी, तो दैट इज अबाउट द लाइसेंसिंग ऑफ प्रिंटिंग प्रेस. लाइसेंसिंग ऑफ प्रिंटिंग प्रेस. सेकेंड थिंग, इट वॉज अ पैम्फलेट लाइक ऑल, इट वॉज ऑल्सो अ पैम्फलेट.
इट वॉज ऑल्सो अ पैम्फलेट. इस पैम्फलेट के अंदर इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, उसकी इम्पोर्टेंस, लाइसेंसिंग ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, इन सब की बात की है कि सभी प्रिंटिंग प्रेसेस को उनके लाइसेंस होने चाहिए, उनके एडिटर्स को ये डिसाइड करना चाहिए कि जो राइटर्स उनके पास है उनके जो वर्क्स हैं वो पब्लिश करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं. इट शुड नॉट बी अ पॉलिटिकल थिंग. इट शुड नॉट बी अ पॉइंट ऑफ इंटरप्शन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज. ये पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी तरीके का इसमें इंटरप्शन करें, या कोई मिनिस्टर या जज इसके अंदर इंटरप्ट करे कि ये वर्क क्यों लिखा गया है, या कोई मिनिस्टर इसमें इंटरप्ट करे, नहीं. बट अगर कोई चीज गलत है, अगर किंग भी गलत है और उसके ऊपर भी कोई वर्क लिखा जा रहा है, तो फिर वो प्रिंटिंग प्रेस की जिम्मेदारी होनी चाहिए, एडिटर की होनी चाहिए, राइटर की होनी चाहिए. बट पार्लियामेंट, मोनार्की, किंगशिप, इन सब चीजों का इसमें किसी भी तरीके का इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. ये इसने यहाँ एरियोपेगेटिका के अंदर कहा था. दिस इज बेसिकली 1644, क्योंकि ऑलरेडी सिविल रायट्स जो है वो चल रहे हैं. 1642 के अंदर किंग को थ्रोन से हटा दिया गया था. 1642 में जब किंग को थ्रोन से हटा दिया गया था, तो उसके बाद इसने जो वर्क्स लिखे हैं उसमें इसने एरियोपेगेटिका लिखा, क्योंकि वहां पे फ्रीडम ऑफ प्रेस मांगनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि जितने भी चीजें आ रही थी वो किंग के अगेंस्ट आ रही थी, और किंग के अगेंस्ट लिखने के लिए उन लोगों को पार्लियामेंट या मिनिस्टर्स कंट्रोल कर रहे थे जो कि किंग के फेवर में थे, उन्हीं चीजों को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए और खुद के स्पीच को, खुद के एक्सप्रेशन को. बिकॉज चार्ल्स वन वॉज अ प्योर कैथोलिक, ही वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट द प्यूरिटन्स. तो ये यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को, अपनी स्पीच, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए स्पेस चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने एरियोपेगेटिका लिखा और एक अपील की कि प्रिंटिंग प्रेसेस को लाइसेंस होना चाहिए, राइटर्स को फ्रीडम होनी चाहिए स्पीच और एक्सप्रेशन की. ठीक है, दिस इज योर सेकेंड फेज ऑफ राइटिंग. इट इज नॉट स्टिल कम्प्लीट, बट येस आई विल टेक द अनदर वर्क, other works of this period, which was like first defense, iconoclast, second defense, and many other works of the political phase in our next lecture. Because in this lecture, I have already taken many of the works like Allegro, El Penseroso, Morning of Christ Nativity on the third birthday, and then the five works are being taken in the second phase. नाउ हमारा थर्ड फेज बच रहा है, और सेकेंड फेज के अंदर भी हमारे तीन से चार वर्क्स और बचते हैं, जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे. सो गाइज, यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विद अस टू गेन नॉलेज, टू अंडरस्टैंड व्हाट द मिल्टन को, प्यूरिटन एज के मेन राइटर को, क्योंकि इसी के नाम पे पूरी एज को बोला जाता है, इसको समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम यहाँ पे मिल्टन को समझे. ही इज द मेन राइटर. तो हम इसके फेजेस को समझ रहे हैं कि पहले व्हेन ही वाज इन द लर्निंग स्टेज, व्हेन ही वाज अ स्कॉलर, व्हाट ही वाज बेसिकली राइटिंग. उसके बाद जब ये एक मैच्योर स्टेज पर आता है, तो इसकी राइटिंग किस तरीके की है, पॉलिटिकल में किस तरीके से चेंज हो जाता है, अपने रिलीजन और अपनी चीजों को कॉन्शियस होकर क्या लिखता है, और थर्ड स्टेज में व्हेन ही बिकम ब्लाइंड, तो ये किस तरीके से लिखता है. तो ये उसमें अभी सेकेंड फेज को भी मैं इन बिटवीन छोड़ रही हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना सेकेंड फेज और उसकी डिटेल के साथ उसे कंप्लीट करेंगे. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय, टेक केयर.